जॉन से ये साबित होगा कि अगर खुद पर भरोसा हो और अपनों का साथ हो। चंद्रयान 4, 5, 6 का क्या मकसद होगा? चांद पर क्या करेंगे चंद्रयान 4, 5, 6? इंसानों को चांद पर कब भेजेगा इसरो? चंद्रयान 3 की चर्चा तो आप आजकल आपके चारों तरफ तो सुन ही रहे होंगे। चंद्रयान 3 चांद पर जाकर क्या क्या काम करेगा यह भी आपको पता लग ही गया होगा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हमने इस पर एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसरो चंद्रयान के अगले मिशनों में इंसान को चांद पर ले जाने वाला है? आइए जानते हैं इस वीडियो में चंद्रयान 4, 5, 6 का क्या मकसद होगा और चांद पर ये क्या काम करेंगे। यह कहानी शुरू होती है सन 2008 से, जब भारत पहली बार चंद्रमा पर अपना यान भेजता है। इस अंतरिक्ष यान का नाम था चंद्रयान 1। उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन भी नहीं थी, जब बेहद टाइट बजट के साथ इस मिशन को अंजाम दिया गया था। लिहाजा इससे निकलने वाले परिणामों में पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। जी हाँ, इस मिशन की वजह से आगे चलकर चांद पर पानी की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी। मगर भारत का चांद पर जाने का यह सफर इतना भी छोटा और आसान नहीं था। साल 2008 में हुए लॉन्च से पहले यानी कि सन 1999 में ही इस मिशन की नींव रख दी गई थी, जब पहली बार इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस ने एक स्वदेशी लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन को अंजाम देने का अपना आइडिया पेश किया। आगे इस आइडिया पर चर्चा करते हुए एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक बैठक हुई। इसमें टॉप वैज्ञानिकों के दिए गए सुझावों की समीक्षा, यह वह वैज्ञानिक थे जो देश भर में जियोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेटरी साइंटिस्ट, इन वैज्ञानिकों के मशवरे के बाद ये फैसला लिया गया, भारत चांद पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इस मिशन को उस दौर की सरकार ने मंजूरी भी दे दी थी। इस मिशन के लिए 386 करोड़ का बजट भी पास किया गया था। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट पर काम शुरू किया गया। देखते ही देखते चंद सालों के वक्त में स्पेसक्राफ्ट बनकर तैयार कर दिया गया, जिसे फाइनली 22 अक्टूबर 2008 की तारीख को इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। उसकी लॉन्चिंग PSLV इस्तेमाल किया गया था, जिसका काम पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाना था। इसके बाद आगे अपना सफर यह खुद तय करने वाला था। इस स्पेसक्राफ्ट पर लगे प्रोपल्शन मॉड्यूल को कई बार फायर करके अपने ऑर्बिट को मैन्यूवर करा और आखिरकार 8 नवंबर के रोज लूनर ऑर्बिट में इंसर्शन परफॉर्म किया और इसी के साथ भारत चांद पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने वाले चुनिंदा देशों की लिस्ट में शुमार हो गया। अब तक यह कारनामा करने में अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप, जापान और चीन ने ही सफलता पाई थी, लेकिन अब भारत इसका हिस्सा बन गया था। लेकिन अभी असली पिक्चर बाकी थी। दरअसल पृथ्वी से रवाना होते हुए चंद्रयान 1 अपने साथ लूनर इंपैक्टर प्रॉब भी ले गया था, जिसका काम चांद की सतह पर ग्रेस लैंड करके वहां कुछ बेहद अहम जांचों को अंजाम देना था। चांद के ऑर्बिट में दाखिल होने के महज चंद दिनों के बाद चंद्रयान 1 ने इस लूनर इंपैक्टर प्रॉब को अनलॉक कर चांद की सतह पर ड्रॉप कर दिया। स्टील के बक्से जैसा दिखने वाला यह प्रॉप 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस था, जिसमें 5 स्वदेशी भारतीय उपकरण और दुनिया भर की अलग अलग स्पेस एजेंसी और यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए भेजे गए थे। इन उपकरणों में टेरेन मैपिंग कैमरा,
हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट, लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट, गामा स्पेक्ट्रोमीटर, मून मिनरोलॉजी मैपर जैसे तमाम इंस्ट्रूमेंट रिसर्च के लिए लगाए गए थे, जिन्होंने मून सरफेस पर जाकर रीडिंग्स कलेक्ट की। और इस एक कारनामे के साथ भारत ने फिर एक बार इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। चांद की सतह तक पहुंचने वाले देशों की सूची में शामिल होने वाला भारत पांचवा देश था। अब से पहले महज 4 देशों ने ही ये कारनामा किया था, लेकिन अब हम उसका हिस्सा बन चुके थे। हमने यह कारनामा चीन से भी पहले कर दिखाया था और चांद पर अपना फुटप्रिंट छोड़ा था, मगर यह सब तो शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वो पूरी दुनिया की नजर भारत की ओर आकर्षित करके रख देता है। LIP के ड्रॉप डाउन के बाद यह सभी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एक्शन में आते हैं और अपना अपना काम शुरू करते हैं। अपनी ड्रॉप डाउन जर्नी के बाद इसमें लगे अल्टीमीटर और रडार ने अपने मोशन स्टडी परफॉर्म की, जिसने वैज्ञानिकों को मून की ग्रेविटेशनल डायनामिक्स को समझने में हेल्प की। साथ ही इस दौरान लूनर सरफेस की इंटेंसिव मैपिंग और इंपैक्ट की जांच करने के लिए फोटो और इंफ्रारेड सेंसर को भी एक्टिवेट किया गया, जिससे बहुत से वैल्यूएबल साइंटिफिक डाटा कलेक्ट किया गया, जिन पर दुनिया भर के रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों ने बहुत से रिसर्च पेपर लिखे, जिसे दुनिया भर में चांद को लेकर एक समझ विकसित हुई। इस बीच इसमें मौजूद चंद्रास एटीट्यूनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर ने चांद पर मौजूद खनिजों का अध्ययन किया। यही से एक नई खोज का उदय हुआ। यह चंद्रमा पर मौजूद पानी की खोज थी। पत्र में अपने 25 मिनट के डिसेंट के दौरान इसने लूनर सरफेस के 650 मास स्पेक्ट्रा कैप्चर किए, जिसे चांद पर पानी के मौजूद होने की पुख्ता सबूत हासिल हुए। इस स्टडी से हमें यह पता चला कि लूनर सरफेस पर मौजूद कैटर्स में उसकी सतह के नीचे भी पानी के विशाल भंडार मौजूद हो सकते हैं। यह खोज चांद के दक्षिण ध्रुव के पास अंजाम दी गई थी। वैज्ञानिकों का इस पर यह कहना था कि पोलर रॉन्जर सनलाइट इम्पैक्ट कम होने के चलते जहां पर पानी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाती है, और आगे चलकर इस प्रयोग ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। इमेजरी डाटा ओके चलकर नासा के LRO यानी लूनर रेनॉक्स ऑर्बिटर के लिए भी एक आधार बना, ऐसा आधार जिसके बिना पर आगे चलकर LRO डिफरेंट साइट अलॉट की गई, जिस पर आगे बेहद गहनता और संजीदगी रिसर्च की गई। महज 386 करोड़ रुपए के छोटे से बजट में अंजाम दिया गया यह मिशन दुनिया के लूनर एक्सप्लोरेशन की एक नई और बेहद संभावना लेकर आया, जिसे केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर की स्पेस एजेंसी को बहुत कुछ सीखने को मिला। करीब 2 सालों के लिए प्लान किया यह मिशन तकनीकी खामियों के चलते महज 10 महीने और 20 दिनों के अंदर ही एक्टिव पीरियड में सिमट कर रह गया। इतने कम वक्त में इसके द्वारा की गई डिस्कवरी और फाइंडिंग्स का कोई जवाब नहीं था। चंद्रयान 1 ने 28 अगस्त 2009 की रोज आखिरी बार पृथ्वी से संपर्क साधा, जिसके बाद से मिल रहे सिग्नल्स का ट्रांसमिशन से बंद हो गया। उसी शाम इसरो ने एंड ऑफ द मिशन डिक्लेयर कर दिया। एक महान अंतरिक्ष अभियान का गौरवपूर्ण अंत हुआ, मगर महान चीजें जाने के बाद भी अपनी लेगेसी पीछे छोड़ जाती है, जैसे कि चंद्रयान 1 ने अपने पीछे छोड़ दी थी। और इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने अपने अगले मिशन चंद्रयान 2 पर काम करना शुरू किया। यह तो सरकार द्वारा इस मिशन को 2008 में ही मान्यता दे दी गई थी, लेकिन इस पर काम शुरू होने में काफी वक्त लगा। शुरुआत में इस मिशन को अंजाम देने के लिए रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस से सहयोग लेने की बात थी, लेकिन बाद में रूस अपने वादे से पीछे हट गया और इसरो को लैंडर मुहैया कराने में अपनी असमर्थता जाहिर की।
जिसके बाद इसरो ने पूरा मिशन अपने ही दम पर अंजाम देने का निर्णय लिया। इसके बाद ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को इसरो ने अपने दम पर विकसित करने का अभियान शुरू किया। इस कड़ी में देश भर में बेहतरीन साइंटिस्ट और अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स का चुनाव हुआ। उन्होंने आगे चलकर इसरो के अलग अलग इंस्टॉलेशन में जाकर ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को डेवलप किया। जहां तक बात इस मिशन के उद्देश्य, इस मिशन से निकल कर आने वाले परिणाम की है, तो बदकिस्मती से मिशन का एक अहम हिस्सा नाकामी का शिकार हो गया। 6 सितंबर की वह शाम पूरे देश के लिए सांसें थमा देने वाले पलों को लेकर आई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए बेंगलोर स्थित सतीश धवन उपलब्ध थे, लेकिन सभी कुछ ऐसा हुआ जिसमें सबका दिल तोड़ कर रख दिया। दरअसल उस शाम जब कुछ सही चल रहा था, तब अचानक शेड्यूल लैंडिंग टाइम से कुछ मिनट पहले विक्रम लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया। सॉफ्टवेयर विक्रम लैंडर की एक सेफ लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी था। ऐसे में उसका फेल हो जाना एक बड़ी मुसीबत को दावत देना था। यहाँ ग्राउंड कंट्रोल को यह बात खबर कुछ देर से चली। सॉफ्टवेयर में माल फंक्शन करते ही लैंडर का कनेक्शन ऑर्बिटर से टूट गया और चांद की सतह से महज 2 किलोमीटर ऊपर हमने संपर्क खो दिया। तेजी से डिसेंट परफॉर्म कर रहा है विक्रम लैंडर बेकाबू होकर चांद की ओर गिरने लगा। सॉफ्टवेयर में हुए प्रॉब्लम के चलते लैंडर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर यह चीज नहीं कर पाए कि लैंडिंग थ्रस्टर को कब कितना ज्यादा फायर करना है, और इस मिसकैलकुलेशन के चलते और यह लैंडर पत्थर की तरह चांद की सतह से जा टकराया। इस जोरदार टक्कर के बाद ऐसे भारी फिजिकल डैमेज पहुंचा। इसके बाद इसरो की तमाम कोशिश के बाद भी इससे संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका और कुछ यूं इस मिशन का दर्दनाक अंत हुआ। मगर वह कहते हैं ना, रास्ते के किसी रोड़े में ताकत कहाँ जो राही को अपनी मंजिल पर जाने से रोक दे। इसी संकल्प के साथ इसरो एक बार फिर खड़ा हुआ और उसने अपने तीसरे लूनर मिशन चंद्रयान 3 की तैयारी शुरू कर दी। सन 2019 में मिली शिक्षक के बाद 4 साल बीतने को आए हैं और इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ जो चांद को अपनी मुट्ठी में करने के इस मिशन की शुरुआत करेगा। आइए इस मिशन से जुड़ी कुछ अहम बातों पर नजर डालते हैं। का चंद्रयान 3 अपने 3 कंपोनेंट्स के साथ आता है, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर और इसके साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल शामिल होगा। पिछली दफा इस प्रोपल्शन मॉड्यूल की जगह एक और ऑर्बिटर था जो फिलहाल चांद ऑर्बिट में मौजूद है और बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। खैर, प्रोपल्शन मॉड्यूल काम कंपोजिट स्पेसक्राफ्ट को अर्थ लॉन्च के बाद चांद के ऑर्बिट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद लैंडर यूनिट डिटैच होकर चांद की सफाई की ओर रिसेंट परफॉर्म करेगी। वही प्रोपल्शन मॉड्यूल ऑर्बिट में ही रहकर चांद की परिक्रमा करेगा। साथ ही लैंडर और ग्राउंड कंट्रोल के बीच कम्युनिकेशन के बतौर रिले भी काम किया जाएगा। इसके अलावा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड करने वाला यह लैंडर पहले की अपेक्षा कुछ इम्प्रूव इंजीनियरिंग के साथ आएगा। इसमें एडवांस फीचर मौजूद होंगे जो इसे एक सेफ और साउंड लैंडिंग के लिए अग्रसर बनाएगा। इन छोटे मोटे बदलाव के अलावा लगभग सब कुछ पहले की तरह है। वास्तव में चंद्रयान 3 मिशन चांद को छूने का दूसरा प्रयास है, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव इंडियन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को मून सरफेस पर सेफ लैंड करवाना है और उनसे रीडिंग हासिल करके बेस्ट पॉसिबल लूनर रिसर्च कंडक्ट करना है। चंद्रयान 3 मिशन अगर सफल रहा तो भारत चंद्रयान 4 मिशन को चांद पर भेजेगा, जिसका मकसद चांद से मिट्टी को पृथ्वी पर लाना होगा। इसकी सफलता के बाद चंद्रयान 5 मिशन भेजा जाएगा, जिसका मकसद भारत का झंडा चांद पर फहराना होगा और मानव उतारने के लिए चांद उचित है या नहीं यह पता लगाना होगा। इसकी सफलता के बाद चंद्रयान 6 मिशन चांद पर भेजा जाएगा, जिसका मकसद इंसान को पृथ्वी से चांद पर ले जाकर प्रयोग करना होगा।
हम आशा करते हैं चंद्रयान 3 मिशन सफल रहेगा और आप भारत भावी चंद्रयान मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चंद्रयान 3 पर आगे भी अपडेट्स आती रहेगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर ले। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बाय बाय।